आप सभी को नमस्ते और इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का आप सबका स्वागत है। आप सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य से अधिकतम लोग परिचित हैं। आप लोग जानते हैं कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और तभी से लगातार 99 वर्ष से ये कार्य चल रहा है। अच्छे व्यक्तियों का निर्माण और उनके माध्यम से राष्ट्र के पुनर्निर्माण में योगदान देने का ये कार्य लगातार उस अपने उद्देश्य के अनुसार चल रहा है। आगामी वर्ष 2025 में के विजयादशमी पर इस कार्य के 100 वर्ष पूर्ण होंगे। इस निश्चित उद्देश्य को लेकर संघ का कार्य अब देशव्यापी हुआ है और देश के सभी प्रांतों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर सभी जगह इसके कार्य का व्याप बढ़ा है। लगातार इस कार्य के दृष्टि से ध्यान में रखकर समय समय पर अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो मिलते रहते हैं और इसी क्रम में मार्च में सामान्यता के मध्य में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है जिसमें सभी प्रतिनिधि जो संघ की शाखा के स्वयंसेवकों के प्रमाण में आते हैं और सभी प्रांतों के प्रमुख पदाधिकारी, प्रांत की कार्यकारिणी के सभी लोग, ये सब उस बैठक में उपस्थित रहते हैं। आज वर्तमान में अपने ब्रजभूमि में इस मथुरा जिले में इस विशेष गो अनुसंधान प्रकल्प के परिसर में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की ये बैठक 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली है। ये बैठक की संघ की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें संघ के सभी प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक, सह संघचालक, प्रांत कार्यवाह, सह कार्यवाह, प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, ये मुख्य रूप से इसमें प्रांत की जो ये प्रमुख पदाधिकारी है ये सारे यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और ये सब मिलकर पिछले दिनों हुए अपने प्रांत के कार्य के बारे में जानकारी भी देते हैं, उसके विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करते हैं और आगामी योजनाओं के बारे में भी निश्चित ही करते हैं, एक दिशा दर्शक निर्णय भी यहाँ पर लेते हैं। इस बार जो बैठक यहाँ पर अभी प्रारंभ होने वाली है 25 और 26 को, उसमें संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, संघ के माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी होजबले और साथ ही जो सभी सहसर कार्यवाह हैं, कुमार जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, श्रीमान रामदत्त जी, श्रीमान आलोक कुमार जी, श्रीमान अतुल जी लिमये, ये सभी और सभी कार्य विभागों के प्रमुख और कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। बैठक में 393 कार्यकर्ता देश भर से अपेक्षित हैं। आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों विजयादशमी के पर्व पर प्रतिवर्ष की तरह परम पूजनीय सरस्वती जी का उद्बोधन हुआ था और उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को भी उठाया था। उन विषयों के बारे में भी यहां पर चर्चा होगी और जिसमें विशेषकर
समूचे समाज को एक साथ किसी भी भ्रम में न आते हुए पूरे समाज को कैसे एक साथ रहना चाहिए और उसके लिए जो करणीय प्रयास होंगे इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने जो विषय उठाया था कि जिस तरीके से इंटरनेट के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, मंच है, उनके द्वारा जो सामग्री बच्चों तक जो पहुंच रही है इसके विपरीत परिणामों का उल्लेख उन्होंने अपने उद्बोधन में किया था और उसके सरकार के द्वारा उसके नियंत्रण का विषय भी उन्होंने उठाया था, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। ऐसे उन्होंने अलग अलग जो विषय अपने उद्बोधन में उठाए थे, कुल मिलाकर समाज में एक शांति का भाव कैसा उपस्थित हो सकता है और समाज में परस्पर सौहार्द कैसे बन सकता है इसके बारे में व्यापक चर्चा और उसके पहले से ही चल रहे संघ के प्रयत्न, उन प्रयत्नों को इस दिशा में कैसे आगे ले जा सकते हैं इस बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। विशेषकर इस दृष्टि से जिन महान संतों ने या महान लोगों ने कार्य किया है ऐसे 5 लोगों का उल्लेख भी उन्होंने अपने उद्बोधन में किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में उल्लेख किया था। उन्होंने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी का उल्लेख किया था। उन्होंने रानी दुर्गावती, उनका उल्लेख किया था। और साथ ही झारखंड के देवघर में जो सत्संग नाम का एक प्रयास चलता है पूज्य संत अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के द्वारा, ये सारे महान लोगों के बारे में उन्होंने स्मरण किया था और उनके किसी की 500 वर्ष हुए, किसी के 300 वर्ष, तो ये सारा जो विशेष महत्व उस बात को देकर उन्होंने उल्लेख किया था, उस विषय को, उनके विचारों को समाज में कैसे ले जाना है इसके संदर्भ में भी जो योजनाएं हैं उस पर भी बैठक में चर्चाएं होगी ताकि वो उनका जो संदेश है वो लेकर जा सके। पिछले दिनों समाज में जिस तरीके से जब भी आवश्यकता होती है तो संघ के कार्यकर्ता विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई बाढ़ हो गुजरात में हो या ओडिशा में हो, तो ऐसे जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता है तो उस समय संघ कार्यकर्ता जाते हैं। पिछले दिनों में भी पालक्काड़ में, ओडिशा में, बंगाल में, गुजरात में, ऐसे स्थानों पर जब ऐसे प्रसंग आए तो संघ के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे थे, तो उन कार्यों के बारे में भी यहाँ वृत्त होगा और उसके अनुभवों से आने वाले समय में और अच्छे तरीके से ये कार्य कैसे कर सकते हैं और उन जगहों पर जो स्थायी कार्य की कोई आवश्यकता होगी तो उन पर भी विचार विमर्श यहाँ पर होगा। ये बैठक वैसे प्रतिवर्ष होती है और प्रतिवर्ष होने वाली इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में समाज वर्तमान के जो विषय होते हैं उनके बारे में अपनी अपने जानकारियां यहाँ पर देते हैं और उसके आधार पर आगामी कुछ विषयों के बारे में भी चर्चा होती है। एक महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने विजयादशमी विस्तार से उल्लेख किया था वो संघ की शताब्दी के बारे में। संघ शताब्दी के संदर्भ में कार्य विस्तार का लगातार प्रयास चल रहा है और हर हमारी बैठक में इसकी समीक्षा हो रही है और उसको और कैसे आगे बढ़ सकते इस पर प्रयास चल रहा है, तो इस बैठक में भी कार्य विस्तार के बारे में समीक्षा की जाएगी कि हम लोग अभी कहाँ तक बढ़े हैं और उसके बारे में और अगले विजयादशमी तक लगभग वर्ष का समय होगा उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए प्रांतों ने अगले मार्च तक और मार्च से विजयादशमी तक ऐसी योजनाएं की है, तो उस संदर्भ में विस्तार से शाखा, साप्ताहिक मिलन वगैरह और हमारे अन्य प्रकार से जो कार्य और उसके प्रवास जो होते हैं उसकी चर्चा होगी। इस हेतु इस वर्ष परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकारवाजी के साथ साथ सभी अखिल भारतीय अधिकारियों के जो भी कार्यकर्ता हैं उन सबके प्रवास हुए हैं इस कार्य विस्तार को विशेषकर एक व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से, तो उसकी भी समीक्षा होगी और आने वाले समय में इसके लिए जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं उसकी चर्चा होगी।
आप जानते हैं कि 2025 का जो विजयादशमी है वो संघ की दृष्टि से 100 वर्ष पूर्ति का समय होगा, तो उस विजयादशमी उत्सव को विशेष रूप से कैसे किया जाए नागपुर में जहां संघ की स्थापना हुई थी और देश भर में, इसके बारे में भी एक स्वरूप के ऊपर चर्चा होगी और उसके साथ साथ ही कुछ अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा यहाँ पर होगी, तो उसकी जिसकी विस्तार से बाद में आपको जानकारी दी जाएगी। एक जो उल्लेख आया था कि शताब्दी निमित्त पंच परिवर्तन, जिसका उल्लेख सरसंघ चालक जी के उद्बोधन में, नागपुर के उद्बोधन में भी व्यापक रूप में आया था, तो जिसमें 5 विषय के बारे में उल्लेख आया था। एक सामाजिक समरसता, जिसकी आज सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो और आवश्यक विषय है, तो उसके संदर्भ में समाज के सभी लोगों को जोड़ते हुए कैसे इसको विषय को आगे ले जाना है, इस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। परिवार प्रबोधन या कुटुंब प्रबोधन का जो विषय है उसमें भी समाज में बहुत सारे लोग, संस्थाएं, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, सभी को जोड़कर कैसे ले जा सकते हैं, उनसे संपर्क की योजना वगैरह आदि विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही जो पर्यावरण का विषय है और स्व के अनुसार अपनी जीवन शैली कैसी बने, जिसमें वो एक सामाजिक आंदोलन बने, और संविधान के 75 वर्ष के निमित्त नागरिक कर्तव्य जो है हमारे, उसके संदर्भ में, तो इन सभी विषयों को कैसे क्रियान्वित करना, इसके संदर्भ में अब एक व्यापक योजना समाज के सब लोगों को जोड़ते हुए कैसे करना, इस पर भी बैठक में चर्चा होने वाली है। ये सारे जो विषय हैं इस संदर्भ में लगातार संघ के कार्यकर्ता जगह जगह जा रहे हैं, गांव गांव तक जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के समाज जीवन के संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, व्यवसायिक संस्थाएं, और अपने अपने शाखा क्षेत्र में सामान्य सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज जीवन में जो आवश्यक कार्य है या लोगों की जो परिस्थिति है तो समाज में सौहार्द रहे, एक दूसरे को मिलकर सहयोगी बनकर लोग कार्य कैसे करें और इसके माध्यम से अपने देश की जो निरंतर प्रगति, इसको हम कैसे सुनिश्चित करें, इसके संदर्भ में पूरी व्यापक चर्चा होगी और इसकी योजनाओं के बारे में जो अनुभव होंगे वो भी स्वयंसेवक यहाँ साझा करेंगे और योजनाओं पर भी चर्चा होगी। तो ऐसे मुख्य मुख्य विषयों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आप जानते हैं कि संघ के में प्रशिक्षण का सतत महत्व चलता है और इस संदर्भ में जैसे 40 आयु के जो कम लोग स्वयंसेवक होते हैं उनके प्रशिक्षण वर्ग तो अप्रैल, मई, जून में समाप्त हो गए। अभी एक विशेष वर्ग नागपुर में आयोजित होगा, वो नवंबर और दिसंबर मिलाकर 25 दिन का ये वर्ग होगा, जिसको हम कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय विशेष, विशेष का अर्थ होता है 40 वर्ष की ऊपर के जो आयु के स्वयंसेवक है देश भर के, या अखिल भारतीय वर्ग होता है। इसमें देश भर के कार्यकर्ता जिन्होंने पहले से ही संघ के अपने इसके पूर्व प्रथम द्वितीय सारे पाठ्यक्रम पूरे किए हैं, ऐसे चयनित स्वयंसेवकों के लिए वर्ग होता है, तो वो वर्ग भी इस वर्ष काफी दिनों के बाद आयोजित हो रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद वो वर्ग नहीं हो पाया था, तो उसके बाद ये वर्ग हो रहा है विशेषकर, तो उस वर्ग की भी योजनाओं पर चर्चा होगी। और बाकी देश भर में इस वर्ष जो प्रारंभिक वर्ग यानी 3 दिन के विशेष वर्गों की नई योजना बनी है, तो उस संदर्भ में जिसमें नए स्वयंसेवक जो संघ से जुड़े हैं वो अपना प्रथम यानी 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो ऐसे प्रारंभिक वर्गों का आयोजन देश भर में लगातार होगा, उस संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चाएं होगी। तो विस्तार से जो जो विषय होंगे उसके बारे में बैठक के पश्चात आपको जानकारी दी जाएगी। प्रारंभिक रूप से बैठकों के विषय जो है उसकी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। 25 तारीख को सुबह जब अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का शुभारंभ होगा, पुष्पार्चन से वो शुभारंभ होगा, तो उस शुभारंभ के समय अपने सब मीडिया के सभी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, इनके लिए उस पुष्पार्चन के समय अपने लिए शूटिंग करने की अनुमति रहेगी,
और आप सब उसके लिए निमंत्रित रहेंगे। बाकी 26 तारीख को यानी बैठक के अंतिम दिन दोपहर में इसी समय प्रेस वार्ता का आयोजन होगा, जिसमें अपने संघ के माननीय सरकारवा दत्तात्रेय हुजबली जी यहाँ उपस्थित रहेंगे और उस समय वो बैठक के पूरे कामकाज के बारे में जानकारी भी देंगे और आपको कोई भी प्रश्न उनसे पूछना हो तो प्रश्न पूछने के लिए भी समय वहाँ उपलब्ध रहेगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जैसा आप सब लोगों का हमेशा ही संघ कार्य के लिए सहयोग मिलता है और संघ के जो विचार और कार्य कार्यक्रम इसको समाज तक पहुंचाने का आप सतत रूप से कार्य करते हैं और हमें विश्वास है कि जो कार्य में संघ लगा है उस कार्य को सकारात्मक समाज हित के कार्य को आगे बढ़ाने में आपका आगे भी सहयोग रहेगा और सहयोग के लिए मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। कुछ संक्षिप्त में बैठक के संदर्भ में कुछ पूछना हो, आज ये प्रेस ब्रीफिंग है तो पूछ सकते हैं, बाकी विस्तार से प्रश्न 26 तारीख को होंगे।